हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी पॉइंट में। ये दोस्तों, आज की क्लास में हम बताएंगे सर्च इंडाइसेस से रिलेटिव ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखा जाएगा। इसलिए दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहें और देखें कि इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं, यानी एक मिनट का भी नहीं, 30 सेकंड का भी नहीं, 10 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास की ओर। तो क्लास में देखते हैं स्मार्ट एकेडमी पॉइंट। अगर आप दोस्तों सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे और दोस्तों में शेयर कर दे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दे और दोस्तों में शेयर भी कर दे। चलते हैं दोस्तों आज के क्लास की ओर। तो क्लास जो आज का टॉपिक है सर्च्स एंड इंडाइसेस, इससे रिलेटिव हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका नाम होता है सर्च्स एंड इंडाइसेस का हिंदी में हम लोग कहते हैं घात एवं करनी। यानी इसका हिंदी भी लिख देते हैं घात एवं करनी, घात एवं करनी। इससे रिलेटिव हम आज कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले हम कुछ सिंप्लीफिकेशन में आपको बेसिक बता चुके थे, तो आज हम कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मान चलिए क्वेश्चन है मेरे पास एक्स इजकल टू रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपको इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो बोल रहा है एक्स बराबर वाई। इसको हम दो मेथड से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड में देखेंगे एंड सेकंड मेथड में देखेंगे। सेकंड मेथड क्या है और फर्स्ट मेथड क्या है, ये दोनों से रिलेटिव आज हमको आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं कि यानी शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे और लॉन्ग में किससे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, देखिए दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, यहां से यहां तक हम इसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट 12 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रूट 12 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस एक्स हो जाएगा, 12 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर, या इसको हम इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इजकल टू 0, ये आपका आ गया गुणनखंड। यानी गुणनखंड के तौर पर इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां पे तोड़ने के लिए पहले क्या करते थे, आप पढ़े होंगे पहला गुने तीसरा जोड़ घटा दूसरा, यानी पहला को तीसरा से गुना करना है और जोड़ घटा करके दूसरा पुराना है। तो जैसे कि मान के लिए 12 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 12 हो गया। अब 12 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2, ये 6, ये 2 और ये 3। अब ऐसा संख्या हमको लाना है कि यहां पर हमको माइनस एक्स होना चाहिए। माइनस एक्स होने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर तो ये देखेंगे 2 2 4 3, यानी 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा। मगर यहां पे एक बात याद रखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, ये इस तरह का ये गुणनखंड टूट जाएगा। जब इस तरह का गुणनखंड टूटेगा तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 इजकल टू 0। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसको ये आपका लॉन्ग में जा रहा है, इससे डरने का नहीं जरूरी है, बल्कि आपको सेकंड मेथड जो बताएंगे शॉर्ट ट्रिक्स, यानी 10 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने ही रहे। अब देखिए यहां पे इसको हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे x प्लस 3 इजकल टू 0 0 और x माइनस 4 इजकल टू 0।
अब याद रखिएगा ये हो जाएगा x इजकल टू माइनस थ्री हो जाएगा और ये x इजकल टू क्या हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जिस तरह अगर रूट अगर प्लस में चल रहा है तो वो हम क्या करेंगे प्लस वाला लेंगे यानी बारह वाला लेंगे, यानी इसका मान x बराबर कितना हो जाएगा फोर, यानी इसका आंसर आ गया आपका फोर। अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड x इजकल टू ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व, ये आपका बढ़ते जा रहा है और ये डॉट डॉट करके प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे इसको हम तोड़ देंगे यानी गुणनखंड करेंगे 12 को, तो 3 माइनस 3 या प्लस 4 होगा क्योंकि अभी हम देखे हैं कि 4 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 किया 12 तो ये 12 में तोड़ देंगे तो एक छोटा वाला जो है वो माइनस में होगा और बड़ा वाला प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर हो जाएगा। ये आपका आंसर 10 सेकंड के अंदर आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि एग्जांपल में एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है एक्स बराबर रूट अंडर सिक्स प्लस रूट अंडर सिक्स प्लस रूट अंडर सिक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक है। इसको तो सॉल्व करने के लिए आपको अब ये समीकरण आपको ये इतना जो हम बताएं इतना नहीं लिखना है बल्कि डायरेक्ट आप इसको समीकरण क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, ये समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये एक तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, तीन दूनी छ, तीन दूनी छह हो जाएगा। अब डायरेक्ट आ गया आपका, अब तो x बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, क्योंकि हम बताए थे कि जो हमको क्या लेना है प्लस लेना है, अगर प्लस रहेगा इसके बीच में तो प्लस लेंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस छोटा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला लेंगे, तो ये प्लस है तो मानते हैं कि माइनस हो जाएगा जीरो है यहाँ पर, ये माइनस है तो हम जानते हैं कि प्लस हो जाएगा, तो ये इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा थ्री। आपको डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट आपका आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब मान चलिए आप इसको हम मान चलिए लॉन्ग शॉर्ट मेथड से, तो शॉर्ट मेथड रूट सिक्स को हम किस तरह तोड़ेंगे माइनस टू प्लस थ्री, तो यहां पर देखिए जैसे ही तोड़े इसको यानी डॉट डॉट करके तो इसको तोड़े तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस थ्री वाला आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, आ गया ये आंसर। तो ये आपका शॉर्ट मेथड है। अब मान चलिए इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, अगर माइनस दिया रहेगा उस वक्त हम क्या करेंगे, या आपको गुणनखंड नहीं होगा उस वक्त हम क्या करेंगे, उसमें उसको भी देख लेते हैं ट्रिक्स, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आप आसान मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि आप आसान मेथड से मान चलिए ये सबसे आसान मेथड है, अगर इसको आप 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हैं। अगर आपको गुणनखंड आपको याद है तो डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं। जैसे कि मान चलिए एक क्वेश्चन है आपका, जैसे कि मान चलिए एक्स एक्स इजकल टू क्वेश्चन सॉरी यहां पर नहीं देते हैं बल्कि एक्स इजकल टू हम ले लेते हैं रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस डॉट 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 करके आपको इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये आपका बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका गुणनखंड तो आपको नहीं हो रहा है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि समीकरण तो मेरा बनेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो बनेगा। जब गुणनखंड नहीं हो रहा है तो आप लोग टेंथ में पढ़े होंगे एक टू फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, ये विवेचक का पढ़े हैं आपको गुणनखंड विधि मूल निकालने के लिए, तो उस फॉर्मूला पे चलेंगे। तो इसको मान चलिए यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। तो फॉर्मूला से हम पढ़े हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए माइनस बी का मान क्या है माइनस वन है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बी का मान कितना है माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस थ्री आ बटे यहां पे टू है यानी टू इंटू वन। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, मान के लिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, सीधा वन लिख लेते हैं
प्लस माइनस रूट अंडर, इसको तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस चाल क्या आ रहा है 13, रूट अंडर क्या हो जाएगा 13 बटे 2। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस रूट अंडर 13 बटा 2 माइनस 1 माइनस रूट अंडर 13 बटा 2। अब एक बात याद रखिएगा, हम बोले थे अगर इसमें अगर प्लस चिन्ह रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। अगर अगर यहाँ पे चिन्ह अगर माइनस चल रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वाला यानी छोटा वाला हो जाएगा, यानी बड़ा वाला और छोटा वाला हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इसका एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 13 बटे 2। इस तरह से आप रिलेटिव किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका गुणनखंड नहीं हो रहा है तब। अगर गुणनखंड हो रहा है तो आप एक ट्रिक्स, अब याद रखिएगा एक बात और, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रहे हैं, तो इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स देने के लिए आपको क्या करेंगे याद रखिएगा, यहां पे क्या करेंगे याद रखिएगा, रूट अंडर एक्स इक्वल टू मान चलिए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक है, तो इसमें क्या करेंगे 4 अब प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 किया 12 1 13, यहां पे 1 तो 1 प्लस रूट अंडर 13 अब बटे क्या लेंगे 2। ये भी आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया। डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं, और आपको इसे भी हम बता दिए हैं कि आप इसको आप लॉन्ग में भी बना सकते हैं और इसको शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। अब चलिए जैसे कि मान चलिए आप अगर यहाँ पे माइनस रहेगा उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए वो भी आपका आसान है, वो आसान है कैसे वो भी देख लेते हैं जस्ट। इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, किसी से भी छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं। मान चलिए जैसे कि मान चलिए यहां पे रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक है, तो x बराबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको निकालना क्या है x इक्वल टू व्हाट, यानी x कैसे निकालेंगे उसमें भी देख लीजिए। तो आपको लॉन्ग कॉर्ड से तो जानते ही हैं, तो उसको लॉन्ग कॉर्ड से आप बना लीजिएगा। यहां पे देखते हैं इसको, ये हो जाएगा -3 और ये +4, ये दोनों में टूट जाएगा, 12 में टूट जाएगा। अब हम बताए थे आपको कि जब अगर छोटा रहेगा, अगर माइनस चिन्ह रहेगा तो बल्कि 12 नहीं लेकर बल्कि हम क्या करेंगे छोटा लेंगे, यानी छोटा लेंगे तो x इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 3, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब अगर चाहते हैं आपको अगर संतुष्टि नहीं मिल रहा है कि मेरा आंसर सही है या गलत है तो आप इसको लॉन्ग कॉर्ड में बनाते हैं, तो जैसे लॉन्ग कॉर्ड देख लीजिए किस तरह बनाएंगे, जिस तरह हम उससे पहले सॉल्व किए थे प्लस वाला उसी तरह हम करेंगे सॉल्व। तो कैसे करेंगे तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर यह क्या हो जाएगा आपका, मान चलिए यहाँ एक्स इजकल टू यहाँ पे ले लेते हैं 12 माइनस एक्स, क्योंकि हम यहाँ इतना दूर को हम क्या मान लिए एक्स मान लिए है यानी पूरे तक। अब यहाँ पे क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको याद रखिएगा यहां पे हमको क्या लाना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इजकल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 4, यह हो जाएगा माइनस 3x प्लस 4 इजकल टू 0। अब याद रखिएगा ये तो आपको प्लस है तो कभी भी ये प्लस है और यहाँ पे जीरो है तो एक्स प्लस 4 बराबर 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 4 होगा, तो क्योंकि हम माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है आपको मान चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में हम क्या करेंगे इसको 144 का पहले वर्गमूल देखेंगे, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, 12 को हम क्या करेंगे किसमें ऐड कर देंगे इसमें ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे 12 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, 8 को हम क्या करेंगे डायरेक्ट आप किसमें ऐड करेंगे नहीं 248 में, जैसे 248 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 256, तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ गया।
इसी तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह को आप क्वेश्चन सॉल्व आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।